एक घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर एक घोंसला था। उस घोंसले में रहे एक अंडे से छोटा सा गौरैया बाहर निकला और वो अपने माँ के लिए ढूंढ रहा था। माँ माँ, यूं वो रोता चिल्ला रहा था। इतने में वहाँ पर एक कबूतर आई। अरे तुम किसका इंतजार कर रही हो, अपनी माँ का? उस पर नन्हे गौरैया ने कहा। मेरी माँ कहीं नहीं दिखाई दे रही, मैं माँ की राह देख रहा हूँ। तुम्हारी माँ का नाम टोनी है, मैं उसकी सहेली हूँ। मेरा नाम लूसी है। तुम्हारी माँ आहार लाने बाहर गई है, तुम चिंता मत करो, वो भी आती ही होंगी। लूसी की बातें सुन नन्ही गौरैया शांत हो गई। फिर लूसी कबूतर वहाँ से चली गई। दूसरी ओर चीचू कौवा और छोटू तोता दोनों एक पेड़ पर बैठे बहुत उदास हो रहे थे। बेचारी ना जाने कौन है, उस चील के हाथों अपनी जान गवा बैठी। हम उसे देखते रहे पर उसकी मदद नहीं कर पाए। और हम कर भी क्या सकते हैं, उस दुष्ट चील के आगे छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं, ना जाने इससे हमें कब छुटकारा मिलेगा। यूं वो दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ पर लूसी कबूतर भी आ गई। दोस्तों तुम दोनों किस विषय में बात कर रहे हो? और किसके बारे में दोस्त? उस दुष्ट चील के बारे में, वो हम सबको मार कर खाए जा रही है ना। आज भी उसने एक गौरैया को मार खा लिया, उसने जाते जाते बहुत विनती की। ऐसे कौवे के कहने पर लूसी घबरा गई। क्या कहा? कहा है वो? वो मेरी सहेली है, टोनी है वो। यूं घबरा कर उनसे वहाँ का पता पूछा। उस पते पर वो उड़ती हुई गई। टोनी के कुछ अंश पड़े हुए थे, उसके बिखरे कुछ पंखों को देखकर लूसी बहुत दुखी हुई। ये तो सच में मेरी सहेली टोनी है, उसका बच्चा उसके लिए इंतजार कर रहा है। ये कैसा अनर्थ हो गया, अब कौन उसकी माँ बनेगी, कौन उसकी परवरिश करेगी। इस तरह वो बहुत दुखी हुए जा रही थी। इतने में आसमान में उड़ती हुई टोनी को वो दिखाई दी। क्या हुआ लूसी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो, बात क्या है? अचानक अपने दोस्त को वहाँ पर देखकर लूसी बहुत खुश हुई। दोस्त तुम जिंदा हो, मैंने सोचा चील के हाथों तुम मारी गई। बीती सारी बात बताकर उसे गले लगाकर रोने लगी। दोस्त तुम मुझे इतना चाहती हो कि मुझे ढूंढने के लिए यहाँ तक आ गई? ये कहते हुए ऐसे दोस्त पाने पर वो बहुत किस्मत वाली है ऐसा कहने लगी। वो पंख उसके नहीं किसी और पंछी के हैं, ये सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी। चलो जल्दी तुम्हारे घोंसले पर चलते हैं, तुम्हारा बच्चा आज ही अंडे से बाहर निकला है, तुम्हारी राह देख रहा है। कबूतर की बात सुनकर टोनी गौरैया बहुत खुश हुई। ठीक है जल्दी चलो दोस्त। दोनों वहाँ से उड़ चली। गौरैया अपने बच्चे को देखने के लिए उत्साहित थी, पर जब तक वे दोनों वहाँ पहुँचते बच्चा वहाँ से गायब था। हाय मेरा बच्चा कहाँ है, कहीं वो चील तो नहीं ले गई? ये सोचकर घबराते हुए रोने लगी कि अब उसका बच्चा वापस नहीं लौटेगा। तुम शांत हो जाओ, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैं इसे यहाँ अकेला छोड़कर तुम्हारे पास आई थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, मैंने सोचा कहीं तुम उसके लिए चिंतित ना हो जाओ, इसलिए मैं अपने साथ नहीं ले गई। यूं बड़ी दुखी होते हुए उसने कहा। ये सब मेरी बदकिस्मती है, लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में मेरे बच्चे से माँ कहलवाना नहीं लिखा। यूं टोनी को दुखी होता हुआ देख लूसी ने उसे सांत्वना दी और वहाँ से निकल गई। लूसी वहाँ से निकलकर सीधे कौवा और तोते के पास गई और उन दोनों को सारी बीती बात बताई। दोस्त तुम चिंता मत करो, अभी चील जिस पंछी को लेकर उड़ रही थी तब उसके चोंच से वो फिसल कर नीचे गिरी। यहाँ पर एक गौरैया का बच्चा गिरा था, वो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? नहीं चील महारानी जी, ऐसा तो कोई यहाँ पर नहीं आया, आपको गलत फहमी हुई है। ये सुनकर चील को बहुत गुस्सा आया। तुमने सच नहीं कहा तो तुम्हारी जान ले लूंगी। तोता बहुत घबरा गई, पर उसने कहा कि वो सच कह रही है। तब कौवे ने कहा, चील महारानी जी अभी मैंने दूसरी चील को पंछी पकड़कर ले जाते हुए देखा, सच कह रही हूँ। ये सुनकर वो भड़क गई और वहाँ से उड़कर चली गई। चील के वहाँ से निकलते ही उन दोनों ने छुपा कर रखा गौरैया के बच्चे को बाहर निकाला। बेचारी ना जाने किसका बच्चा है। फिर उन दोनों ने ही उसकी देखभाल करनी शुरू की।
उन दोनों से ये सारी बातें जानकर कबूतर बहुत खुश हो गई। तुमने अच्छी खबर सुनाई। फिर उस नन्हे गौरैया को लेकर तीनों उड़ती हुई उसके माँ के पास गए। टोनी अपने बच्चे को सही सलामत देकर बहुत खुश हुई। मेरा बच्चा मेरे पास आ गया, यूं वह प्यार से उसे गले लगाकर कहने लगी। कबूतर ने सारी बात बताई। ये जानकर टोनी ने कहा, आप सबका बहुत आभार। मेरे नन्हे से बच्चे को बचाने के लिए आपके सभी दोस्तों को बहुत धन्यवाद। पर यहाँ पर रहना इतना सुरक्षित नहीं है, हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए। ऐसे टोनी ने कहा। उसकी बात सुन छोटू, लूसी और चीचू ने भी हामी भरी और वहाँ से निकलने की बात कही। दो दिन बीत गए। उन सभी ने एक निर्णय लिया और सभी वहाँ से उड़कर किसी और जगह चले गए। उस नई जगह पहुंचकर उन सभी ने इस बात की पुष्टि की कि वहाँ पर किसी चील का कोई खतरा नहीं। वहाँ के रहने वाले अन्य पंछियों से ये बात जानकर वे सभी वहीं पर रहने लगे। यूं ही दिन बीतने लगे। वे सभी वहीं पर अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहे थे। टोनी अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करने लगी। कुछ ही दिनों बाद लूसी कबूतर, छोटू तोता और चीचू कौवे ने भी अपने अपने बच्चों को जन्म दिया। फिर वे सभी अपने अपने बच्चों की परवरिश करते हुए बहुत खुशी से रहने लगे। इतने बरसों से मातृत्वता से दूर हो रहे थे, उस चील की वजह से हमें ये सुख नहीं मिल पा रहा था, पर अब भगवान ने कृपा बरसाई, ये सोचकर वे सभी खुश हो रहे थे।